Oh, khakra. Khakra. She khakra. Okay, I give you also khakra. Wait. Yeah, khakra. आपको बोलूँगा तो आप दे दोगे मेरे को. हाँ, समझ गया, समझ गया. यहाँ पे माइक्रोवेव है, एक छोटा सा फ्रिज भी होता है. जी हाँ, बिल्कुल आप सब यूज कर सकते हो. मजेदार है ये. सॉरी, आई डिड नॉट आस्क योर नेम. व्हाट्स योर नेम? Alexandra. Alexandra. Okay. Your mama will go to India. Oh, you will go to India. Welcome, welcome. Atithi Deva Bhava. Namaste. तो गाइस, वक्त आ गया है मुर्मांस्क को अलविदा कह के एक नए शहर में जाने का, रशिया के, आई मीन सेंट पीटर्सबर्ग में जाने का. मुर्मांस्क में मॉस्को में फ्लाइट में आया था, है ना, और अभी लेकिन हम जाने वाले सेंट पीटर्सबर्ग मुर्मांस्क से ट्रेन में. जी हाँ, 24 घंटे की ये ट्रेन जर्नी होने वाली है. अब बजे है सुबह के 9:15 और मेरी ट्रेन ठीक यहाँ से 10:15 बजे की है, मतलब एक घंटा पहले निकल गया. बिकॉज 24 घंटे की ट्रेन है और अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो गया तो, इसलिए मैंने सोचा कि भले ही 15 मिनट का ही रास्ता हो बाय वॉकिंग ट्रेन स्टेशन वोक्जाल मुर्मांस्क का, लेकिन फिर भी एक घंटा पहले ही हॉस्टल से चेकआउट कर ही देता हूँ. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रेन जर्नी रशिया की कैसी होती है, वो भी लंबी ट्रेन जर्नी है, 24 घंटे वाली. चलते चलते रास्तों में हल्की सी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है ना, बड़ा ही प्यारा लग रहा है. इस वक्त टेम्परेचर की बात करूँ तो -17 -18 डिग्री है. यहाँ से सेंट पीटर्सबर्ग या फिर यहाँ से मॉस्को डेली ट्रेनें नहीं चलती है, मतलब मान लो सेंट पीटर्सबर्ग के लिए एक बार तो हफ्ते में 3 से 4 बार ट्रेनें मिल जाएगी. दिन की एक ही ट्रेन होती है, यही सुबह 10 बजे के आसपास की, 24 घंटा लगाती है, और मॉस्को डेढ़ दिन लगाती है, जिसकी वजह से मॉस्को से मुर्मांस्क या फिर मुर्मांस्क से मॉस्को सबसे बेस्ट है फ्लाइट का ऑप्शन. रेट भी सस्ता रहता है ट्रेन के हिसाब से. ये ट्रेन मैंने तकरीबन $65 या $70 में बुक कराई थी. इसमें भी अलग अलग टाइप के कोचेस रहते हैं, जैसे अपने इंडियन रेलवेज में रहते हैं ना, इसमें रहते हैं बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड स्लीपिंग, थर्ड स्लीपिंग, सिटिंग. हालांकि मेरे हिसाब से लॉन्ग ट्रेन में सिटिंग तो प्रीफर नहीं होता है, जाहिर सी बात है 24 घंटा कोई आदमी बैठ के कैसे ही जाए, लेकिन मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग वाला रूट रहता है ना 10 घंटा 12 घंटा 8 घंटा वाला, उसमें रहता है सिटिंग वाला. लेकिन सिटिंग फिर भी नहीं जमता 8-10 घंटा, वो भी अगर आप टूरिस्ट हो तो, क्योंकि आप ऑलरेडी घूम रहे हो इतना. एनीवेज, ये हम पहुंच गए वॉक्जाल. इस हिसाब से चेकिंग होती है सब, जैसे एयरपोर्ट में होती है. उसके बाद बैगेज वो चेक होगा, उसके बाद एंटर होगे. यह आज का पूरा चार्ट है अराइवल और डिपार्चर का. डिपार्चर मतलब आज ये चार ट्रेनें जाने वाली है. सबसे पहली तो अपनी है 10:12 की, मुर्मांग से सेंट पीटर्सबर्ग. फिर क्या क्या है, मुर्मांग से कंदालक्षा है, मुर्मांग से मॉस्को की 2 ट्रेनें है. ट्रेन आई नहीं है, बाकी है 35 मिनट बाकी है. अभी अनाउंसमेंट हुआ कि थोड़ी टाइम में बोर्डिंग हो जाएगी स्टार्ट. एनीवेज, मेरा वैगन नंबर जो कोच नंबर है वो है 5 सीट है, 24 नंबर की ऊपरी की तरफ. हर कोच में जो कंपार्टमेंट वाइज होगा तो 4 सीटें है. मेरी ऊपरी की तरफ है, मेरे साथ 3 को-पैसेंजर रह गया. पता नहीं वो मेल रहेगी फीमेल रहेगी, जो भी होगा, ऐसा नहीं कि वही होना चाहिए कि वही होना चाहिए, बस ढंग के लोग हो, बिकॉज बड़ी जर्नी है ना 24 घंटे की, वही बात है. प्ले स्टोर में RZD ऐप, क्योंकि प्ले स्टोर वगैरह सब चलता है, प्ले स्टोर व्हाट्सएप यहाँ पे चलता है, तो RZD ऐप डाउनलोड कर सकते हो. उसमें आप देख सकते हो कि कौन से दिन की कौन सी ट्रेन है और क्या टाइमिंग है, जिसकी वजह से आपको आइटनरी में बहुत हेल्प हो जाएगी ना, कि अच्छा ये ट्रेन मैं बुक कर सकता हूँ वगैरह. यहाँ से ऑफलाइन भी बुक कर सकते हो, ऐसा नहीं कि टिकट काउंटर से नहीं कर सकते, लेकिन आपको फिर 5-6 दिन पहले करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसी ट्रेन जो लिमिटेशंस होती है, और स्पेशली मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग वाला रूट जो बहुत हॉट सेलिंग रहता है रूट, यू नो, तो उसमें टिकट आपके हिसाब से नहीं मिलती है. फिर पता चला सिटिंग वेटिंग अवेलेबल है. वगन 5 ओके. ये तो डबल डेकर ट्रेन है. तो ऐसा कुछ कंपार्टमेंट होता है 4 सीटों का. हालांकि मैं अकेला आया हूँ फिलहाल, 3 लोग कौन है, कहाँ से चढ़ गए, मेरे को नो आइडिया. लेकिन क्या क्या मिलता है देख लो. ऐसा तकिया मिल जाता है,
ऐसा ब्लैंकेट मिल जाता है, ये नेपकिन मिल जाता है, कुशन कवर मिल जाता है, और ये नीचे का कवर मिल जाता है नीचे बिछाने का, है ना। यहाँ पे दो चार्जिंग पॉइंट है दोनों यूएसबी, तो ये बढ़िया लगा मेरे को। लटकाने के लिए है, हैंगर्स है, कांच है इधर, है ना, ये बटन दबाते ही ये पूरा बंद हो जाता है, कांच है, बहुत कुछ है फैसिलिटी। नीचे सामान रख सकते हो, यहाँ से आप ऊपर जा सकते हो, पानी भर सकते हो जो मर्जी जितनी मर्जी वाटर बॉटल में अपने, गर्म पानी ठंडा पानी, ये मेरे को बढ़िया लगता है। और इस तरफ से ऊपर का कंपार्टमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, ये कुछ किचन विचन का रहेगा, फ्रिज रहेगा, माइक्रोवेव रहेगा, वॉश बेसिन रहेगा, लेकिन फिलहाल बंद है क्योंकि अब तक ट्रेन जर्नी स्टार्ट नहीं हुई ना। और ये रहता है कैप्टन कैबिन, जहाँ तक मेरे को पता है ये भी बंद है फिलहाल। और फिर यहाँ पे वॉशरूम से, तीन वॉशरूम से, एक दो तीन, और तीनों यूनिसेक्स है, मतलब मेल फीमेल दोनों जाते हैं। और इस तरीके से रहता है, पानी की बॉटल होनी चाहिए बस आपके पास। मैन से चाबी भीड़ है नहीं तो बता देता हूँ ना, पूरे वैगन का टूर दे देता हूँ, फिर भीड़ आ जाएगी तो फिर मज़ा नहीं आएगा पूरा चीज़ ऐसा बताने को जैसे अब बता पा रहा हूँ। इनका मानना पड़ेगा 10:13 हो गया, मतलब अभी 10:12 हो गया था, 10:13 अभी हुआ और ट्रेन चल पड़ी है। 10:12 की टाइम थी, सही टाइम पर चल पड़ी है, टाइमिंग के मामले में बहुत सही है। अंदर का तापमान है 20 डिग्री, जो कि बहुत सही है। Если что, подходите к нам. К нам подходите, к нам. Мы вам все покажем, расскажем. Кя? Сувениры. А сувениры. Окей. Так что если что, подходите к нам. А-а-а. Я сам. Да, да. Я сам милега, мотлов, апке пас. To you. Да, да, да. Ача. Апко болуга, то ап дедоге мерко. А, самаж гя, самаж гя. Хуб, хуб, сукрия, джи. मजा आएगी एकदम। हर कोच में ना ऐसा किचन भी रहता है, इन द सेंस एक रूम रहता है जहाँ पे आप गर्म पानी की मशीनें पा सकते हो, ग्लास इनसे मांग सकते हो, ये आपको कांच की ग्लास फ्री में देके आप गर्म पानी लेके जो इंस्टेंट, अगर आपके पास कप नूडल्स है या फिर सूप के पैकेट आप लाते हो तो वो भी काम हो सकता है। यहाँ पे माइक्रोवेव है, एक छोटा सा फ्रिज भी होता है, जी हाँ बिल्कुल आप सब यूज़ कर सकते हो, मज़ेदार है ये। कोई चढ़ा तो है नहीं, ये पूरे कोच में 6 पैसेंजर्स हैं, मेरे को नहीं पता कौन से स्टॉप से चढ़ेंगे, मेरे भी को पैसेंजर हो गए वगैरह। मैंने सोचा थेपला वेपला खा लेता हूँ, ऐसे सब वैक्यूम करवा के लाया था जो कि 1 महीने तक चल जाता है जब तक ना खोलो तो मैं थेपला खाने लग गया, बाहर के नज़ारे देखने लग गया और अपने को पैसेंजर्स का वेट भी तो कर रहा था। वो तो नहीं आए लेकिन वलेरिया जी आ गई मेरे लिए चाय लेके। ओए होए कुछ भी बोलो, ग्लास बड़ा ही प्यारा लग रहा था। चाय पीते पीते दोबारा नज़ारे देखने लग गया, फिर मैंने सोचा कि छोटी सी लैडर खोल दूँ और ऊपर जाके थोड़ा सा आराम कर लूँ, है ना, सो गया मैं। जब आग खुली तो आग खुली की खुली रह गई, बिकॉज को पैसेंजर्स दिख गए थे फाइनली, है ना। अब देखते हैं आगे की जर्नी हमारी कैसे जाती है। माय नेम इज प्रतीक, प्रतीक जैन। वेयर आर यू फ्रॉम? इंडिया। Cool. Sorry, I did not ask your name. What's your name? Alexandra. Alexandra. Yes. Okay. हो रहा है time pass. कट रहा है अभी journey. अच्छा लग रहा है. Thank you जी. शुक्रिया जी. होय होय होय. मजा आ गया. हाँ. अब सूप पियेंगे हम, नॉर्थ सूप पियेंगे इसमें. खाकरा. खाकरा. Yeah, खाकरा. It's very tasty. Yummy. Yummy. ये क्या है? Cheese है. ये कह रही है चीज़ तो लो, चीज़ तो लो, मतलब दे दो चीज़ खिला दो और तो क्या, पूरा। ये कैसे खाऊँ इसको मैं, ये कैसे खाते हो, लाइक दिस? और क्या लाए हो आप अभी? पाइनएप्पल। ओके। एप्पल। ओहो। एप्पल। ओहो। अब्रिकोस नहीं पाऊँ। ये खाकरा क्या खिला दिया आपने, तो यार पूरा मेनू दे दिया मेरे को। वेजिटेरियन? यस यस। ओके ओ खाकरा, ओके आई गिव यू आल्सो खाकरा, वेट या खाकरा तुम भी खाओ। थैंक यू। या वेलकम वेलकम। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज निकिता। विकिता? यस निकिता। निकिता? निकिता। निकिता है? यस। इन इंडिया निकिता नेम इज ऑफ गर्ल्स। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, टेंशन नहीं लेने का, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। फॉर यू। थैंक यू। या तो 4 जन थे कंपार्टमेंट में, उसमें से 2 लोगों को तो आप पता ही है, एक कपल है जिसका एक छोटा सा बच्चा भी है, वो इधर उधर उधर इधर उनके रिश्तेदारों के इधर जाते रहते। ये है चौथी दयाना। दयाना, दयाना।
ये सुबह 3 बजे उतरेगी, मेरा कल सेंट पीटर्सबर्ग सुबह 10 बजे आएगा, लेकिन ये अभी 3 बजे उतरेगी। मैं बोला इतना ठंडी में माय गॉड, इनके लेकिन रिलेटिव वाले लेने आ जाएंगे, लेकिन अंधेरे में फिर भी 3 बजे ऐसी ठंड में, अब देख रहे हो ना बर्फ बर्फ। व्हाट वाज द स्टेशन नेम? पेत्रा जावोस्क। यस, खाकरा। कागरा नहीं, खाकरा। खाकरा, या गुड। इज इट गुड? खरशो, या। नो स्पाइसी। ओस्त्रा स्पाइसी। ओस्त्रा मीन स्पाइसी। नो, इट वॉज नॉट स्पाइसी। आई हैव थेपला ऑल्सो, वन मोर इंडियन फूड दैट इज मोर स्पाइसी। You want to try thepla? You want to try another Indian food? Yes, sure. Yeah. इनको यार इंडियन फूड मजा आता है। इंडिया में पता है कोई अगर मतलब ट्रेन में भी जाते हैं तो बहुत कम जन होते हैं कि अगर पूछते हैं तो वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ठीक है खा लूंगा। फॉरेन में ना, रशिया में तो भाई आप पूछो कि आप इंडियन फूड खाओगे, जिसने नहीं भी खाया ना, हाँ हाँ दो ना, जो बच्चे मतलब हर एक को बहुत पसंद है इंडियन फूड। और ये लोग पहली बार खा रहे, वो लड़की ने भी पहली बार खाया था, ये मोहतरमा भी पहली दफा खा रही है, इनको मजा आ रहा है। अभी बोले कि हाँ दूसरा भी दो, मैं बोला थेपला भी खिलाता हूँ जो ज्यादा तीखा है। ये तो कोई तीखा है ही नहीं खाकरा, है ना, थेपला बहुत तीखा है, अब वो भी ट्राई कराता हूँ। गुड है ना, हाँ अभी लास्ट में तीखा लगेगा। लगा तीखा? Republic of Karelia. Да. И Лоухи. Ага. Это район Республики Карелия. А. Ты समझा? हां. नहीं, तू समझा नहीं. Play. На карельском? Карельском. Карельском song. ये कोई स्टेशन आया है, रिपब्लिक ऑफ करेलिया। अब कितने बजे है? 8:30 बजे रात के, रिपब्लिक ऑफ करेलिया स्टेशन है। और ये माना जाता है, मतलब ये लोग कह रहे थे मेरे जो कंपार्टमेंट में थे, कि पहले ये फिनलैंड का हिस्सा था बहुत साल पहले, तो यहाँ पे आज भी लोग फिनिश भाषा बोलते हैं, फिनलैंड की भाषा बोलते हैं। जो गाने वगैरह है यहाँ के वो रशियन से अलग है, मतलब रशियन सॉन्ग से अलग है, क्योंकि यहाँ पे फिनिश भाषा, जैसे कि मैंने कहा कि उसका प्रयोग होता है। और अभी उतरे ना, ट्रेन बड़ी लग रही है। ओए होए होए होए, my mom है। Your mother? Oh, yes. Namaste. Привет. У нас интернациональная компания. International. Oh, international. ये तो मम्मी से बात कर रहा था, गांव तक जा रहा है। Look, your mama will go to India. Oh, you will go to India. Welcome. अतिथि देव भव, नमस्ते। मैनी पीपल विल वॉच यू नाउ हियर ऑन माय वीडियो। लो, गांव में बैठी इनकी मम्मी जी भी थोड़ी तो फेमस हो ही जाएगी वीडियो के माध्यम से, है ना। सुबह के बज गए 8:15, अंदर का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का तापमान -2 डिग्री बता रहा है। इस वक्त हम पहुंच गए हैं वॉल्खो, और सेंट पीटर्सबर्ग यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। वो कल जो मोहतरमा मिली थी ना, वो यहाँ की थी, क्या नाम था? पेत्रा जावोस्क, हाँ वही। ए, ये क्या नाम है भाई? अच्छा, लड़वा है। ओके, थैंक यू, बाय 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 बाय, थैंक यू वलेरिया।
ये हम पहुंच गए सेंट पीटर्सबर्ग लाडोस्की रेलवे स्टेशन। इसलिए सेंट पीटर्सबर्ग में भी दो तीन रेलवे स्टेशन है, दो एक है, एक तो ये लाडोस्की है और एक सिटी सेंटर जो मेन सेंटर है वहाँ पे है मॉस्कोवी रेलवे स्टेशन। चार दिन बाद जो हमारी ट्रेन है ना सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को के लिए, वो मॉस्कोवस्की रेलवे स्टेशन से ही है, तो हम उसी एरिया में, बिकॉज वो सिटी सेंटर में प्रॉपर है, ये भी हालांकि सिटी सेंटर ही है लेकिन वो मेन सेंटर है, तो वहाँ पे ही हम स्टे लेने का जुगाड़ करेंगे, यहाँ से मेट्रो से जाएंगे। एनीवेज अगर ये ट्रेन जर्नी की बात करूँ बहुत ही शानदार रही। पहले तो ये कि टाइम 10:12 को कल सुबह निकली थी इसका जो टाइम था, और यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग पहुँचने का था 10:08 सुबह का, तो एग्जैक्ट 10:08 है और हम पहुँच गए सेंट पीटर्सबर्ग। दूसरी बात सर्विसेज वगैरह थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन यहाँ की सर्विसेज पब्लिक या फिर जो स्टाफ, मतलब हर डब्बे में ना एक रहता है, जैसे कि हमारे डब्बे में वलेरिया जी थी, ठीक है, वो सारी चीज़ें संभालती है, जैसे कि साफ़ सफाई करना टाइम सर, जैसे कि अगर आपको कुछ भी चाहिए मतलब चाय वगैरह तो वो ला के देती है, अगर एक एक ग्लास हर एक को देती है, जो जो सीट नंबर है एक एक कांच की ग्लास और वो हैंडल रहता है, वो जितना मर्जी गर्म पानी वगैरह ले सकता है। और उसके बाद फिर हम चाय वगैरह कुछ भी उसमें पीते, सूप बना के जो मैंने पिया नॉर सूप वगैरह, तो उसके बाद जब मैं धोने जाता हूँ वॉश बेसिन में किचन में, वो तो कहती है नहीं नहीं मेरे को ही दो, मैं ही दूँगी, तो वो फिर अच्छे से धोके देती है बार बार। बहुत ही अच्छा सा सर्विस है ये। अच्छा इधर भी हल्का सा स्नोफॉल हो रहा है, हल्का बहुत बारीक, लेकिन दिख रहा है, मेरे को लगा सेंट पीटर्सबर्ग में ठंडी इतनी होगी नहीं, हालांकि यहाँ पे भी ठंडी तो है। पैसे वैसे नहीं लगे कुछ, क्या पता अंदर कुछ वो कार्ड वार्ड का सिस्टम रहेगा, लेकिन पब्लिक भी कोई कार्ड वार्ड किसी ने टच नहीं किया, सब ऐसे ही उतरे, मैं भी ऐसे ही उतरा, कोई होता मांगने वाला पैसा दे देते है ना। फाइनली पहुंच गए हैं सेंट पीटर्सबर्ग के अपने हॉस्टल में, 4U कैप्सूल हॉस्टल होटल नाम है इसका, सिटी सेंटर में ही है। और मैंने गूगल मैप्स के सहारे इनके कॉन्टैक्ट नंबर इनके वेबसाइट में गया, फिर इन्होंने पता लगाया, तो व्हाट्सएप में इनको पूछा कि भैया मेरे को 4 रात रुकना है, और फिर इन्होंने रेट बताया 700 रुपये के हिसाब से, तो 4 रात के हिसाब से मैंने इनको 28 रुपये अभी कैश दे दिए है। और सेंट पीटर्सबर्ग को ना वेनिस कहा जाता है, तो जाहिर सी बात है जो 4 रात 4 दिन हमारे सेंट पीटर्सबर्ग में हो गए काफ़ी शानदार हो गए और धमाकेदार हो गए इस वीडियो की तरह। आई होप ये वीडियो भी आपको काफ़ी धमाकेदार लगा होगा, मुरमांग से हमारी ट्रेन जर्नी सेंट पीटर्सबर्ग तक। एनीवेज अभी सुबह के 11 बजे है और चेक इन तो 2 बजे होता है, तो इन्होंने कहा कि एक्स्ट्रा पैसा दो, मैंने कहा कि नहीं भाई आप लॉकर में रख दो मेरे सामान, और 3 घंटा में तो ऐसे ही बाहर बाहर टहल वहल लूंगा, कई दिक्कत है यहाँ पे बैठ जाऊंगा, बिकॉज यहाँ पे लॉबी भी अच्छी लग रही है ना, और मेन तो भूख बहुत लगी है, तो अपन बाहर जाते हैं 5 मिनट्स बाय वॉक में ऑरोविला वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वहाँ कुछ खाएंगे टाइम स्पेंड करेंगे फिर आएंगे, और नेक्स्ट वीडियो से हम सेंट पीटर्सबर्ग के टूर अट्रैक्शंस यहाँ के लोग सारे कुछ जानेंगे पहचानेंगे परखेंगे, बहुत मजा आने वाला है, बने रहिए। लव यू ऑल, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड।